Hello everyone, my name is Shekhar Sevda and I am selected in SSC 2019 where देखो training भी हो चुकी है, selection तो हो ही गया था, अभी posting भी हो चुकी है, इसी वजह से अभी अपने channel पे कोई video नहीं आ रही थी। अभी posting हो चुकी है, चेन्नई में training थी और चेन्नई में posting हो गई है, इसीलिए थोड़ा late हो रहा था। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि SSC 2023 के लिए आपको books की technical की बात करेंगे। तो देखो टेक्निकल का सीन ऐसा होता है ना कि सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। नोट्स को एकदम पूरा ठीक तरीके से करने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ में कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस साथ साथ में करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी आपने पढ़ा तो अभी आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। साथ साथ में अगर आपके पास कोई मॉक टेस्ट है जिसमें सेक्शन वाइज होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं कि आपको जो वेटेज है उस वेटेज के अकॉर्डिंग ही फॉलो करें, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी हमें मिल रहा है, कुछ भी कोचिंग वाले करवा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कोचिंग वाले के लिए कि वो गलत करवाते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो कभी कभी किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, तो एकदम उन्हीं के पीछे नहीं होना है कि जो वो करवाएंगे वही हम करेंगे। कभी खुद से भी प्रैक्टिस, खुद से भी कोशिश करो कि ये मेरे को कंप्लीट करना है। अगर कोचिंग में नहीं भी हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम करोगे नहीं। तुम ये नहीं कह सकते कि हमारे कोचिंग में नहीं हुआ था, एग्जाम में आ गया, तो ऐसा नहीं होता। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेके रखो। कोचिंग बस एक ऑप्शन है कि ठीक है थोड़ा इजी हो जाएगा काम, ठीक है। तो कोचिंग वाले नोट्स भी अगर आपको कहीं और से भी नोट्स मिलते तो आप वो भी प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। और बुक्स के बारे में सबसे पहले तो आप यूथ की बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। हाँ थोड़ी बहुत एरर होती है उसमें, लेकिन उसमें क्वेश्चंस का जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है, फिर जिनको बस ऐसे बस याद करना होता है उनको, तो वो वाले क्वेश्चन आपको यूथ में मिल जाएंगे। फिर आपको आप वी के मेहता लगा सकते हो, आर के राजपूत में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और जे बी गुप्ता तभी लगाना जब आपकी ये सब चीज़ें पूरी हो गई हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हो। और मेंस के लिए अपन ने वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हो। और अभी से जो है सारी की सारी वीडियोस टाइम पे आती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा, एकदम ऐसे कह नहीं सकता क्योंकि अभी वर्कलोड भी होता है, अभी मार्च भी चल रहा है, तो इसलिए। और अगर आपको कुछ करना है तो मॉक टेस्ट दे सकते हो आप अभी, ठीक है। धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि आपने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है फिर भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, पहले सिलेबस कर लो उसके बाद मॉक टेस्ट दे लो, या फिर अभी जो सब्जेक्ट वाइज है वो वाले टेस्ट दे सकते हो, जिससे खुद का तुम्हें रहेगा कि यार क्या हमने किया, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये सब आपको ईजी रहेगा। और वीडियो को पूरा देखो ऐसे, ठीक है, बीच में छोड़ के जाते हो तो फिर कहते मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करते हो कि सर ये सर वो भैया ये भैया वो, तो वीडियो पूरा देखो, इसलिए बना रखा है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सकता, ठीक है। बाकी मैं जितना हो सकता है उतना रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, अभी तक तो कोई ऐसा गया नहीं जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो, इसलिए लाइक शेयर एंड